वेलकम टू द एस पी ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HTML का चेकबॉक्स के बारे में। HTML का चेकबॉक्स कैसे ऐड किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पिछला ट्यूटोरियल में हम लोग यूज़ किए थे कैसे हम लोग ड्रॉपडाउन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले जो पिछला ट्यूटोरियल में हम लोग यहाँ पे देखे थे वेजिटेबल्स का, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, तो उसको मैं चेंज करके कंट्री कर दिया, ठीक है। तो कंट्री में यूज़ किया था, ठीक है, इसको चेंज करके मैं कंट्री कर दिया था। तो आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे चेकबॉक्स पे ऐड करूंगा। तो पिछला ट्यूटोरियल में मैं जो दिखाया था आप लोगों को ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे यूज करना है, पहले उसको देखिए। उसको देखने के लिए जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HTML का चेकबॉक्स कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेकबॉक्स। अब देखिए, चेकबॉक्स का यूज करने के लिए जो टैग है, वो टैग का हम लोग यूज करेंगे, वो है सिर्फ इनपुट टैग, और जो टाइप है, टाइप हम लोग लिखेंगे चेकबॉक्स, ठीक है। इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लेता हूँ इनपुट टाइप, उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा चेकबॉक्स। चेकबॉक्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चेकबॉक्स आ गया है, ठीक है। तो मैं पहले डिस्कस किया था चेकबॉक्स जो है, चेकबॉक्स हम लोग मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, हम लोग कोई भी एक स्पेसिफिक को यूज नहीं कर पाएंगे, कर भी सकते हैं पर हम लोग मल्टीपल भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रेडियो बटन और ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसा होता था, कोई भी एक हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट कर पा रहा हो, ठीक है, यहाँ पे भी कोई भी एक सिलेक्ट कर पा रहा हो, पर यहाँ पे जो चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स पे हम लोग मल्टीपल आइटम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फिर से एक ब्रेक लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे ये जो चेकबॉक्स है आ जाए, ठीक है। तो बियर टेक्स्ट लगा देता हूँ। अब देखिए, रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लैंग्वेजेस ऐड करूंगा। लैंग्वेज नोन, ठीक है, लैंग्वेज नोन देने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे, फिर से मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज्यादा लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ लैंग्वेज नोन, ठीक है। लैंग्वेज नोन लिखने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया लैंग्वेज नोन। उसके बाद देखिए, इनपुट टाइप मैं लिया हूँ चेकबॉक्स, यहाँ पे मुझे वैल्यू देना है, ठीक है। वैल्यू देखिए, आपको पहले भी डिस्कस किया था, वैल्यू यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, दिखाई जो देगा वो आपको ये इनपुट टैग के बाहर लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश, रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आ गया है, वैल्यू भी आपको यहाँ पे भी सेम देना है, ठीक है, सेम देना है। अब देखिए, मैं क्या करूंगा, इसको देने के बाद मैं फिर से और एक इनपुट टाइप लूंगा, उसको मैं तीन दफा प्रेस कर देता हूँ। अब देखिए, मैं ये इंग्लिश की जगह मैं कर देता हूँ हिंदी, रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश कर देने के बाद आप देख पा रहे इंग्लिश है फर्स्ट में, सेकंड में हिंदी है, और जो थर्ड में है, थर्ड में मैं बंगाली कर देता हूँ। रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज नोन तीनों आ गया है, फर्स्ट है इंग्लिश, सेकंड है हिंदी, थर्ड है बंगाली, ठीक है। आपको तीन इनपुट आइटम लेना है जिसका टाइप होगा चेकबॉक्स, तीनों का ही चेकबॉक्स होगा। वैल्यू में आप जो वैल्यू यहाँ पे बाहर में रखेंगे उसको आप देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी एक चेक नहीं है, ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मान लीजिए अगर आप चाहेंगे, आपका जो यूजर है, यूजर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो लैंग्वेज नोन एक मैंडेटरी रखना पड़ेगा, एक डिफॉल्ट रहना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप चेक दे दीजिए, चेक दे दीजिए। चेक दे देने के बाद देखिए, आप देख पाएंगे यहाँ पे फर्स्ट में चेक हो गया है, मतलब इंग्लिश में मैं चेक दे दिया हूँ, लैंग्वेज का जो टाइप है, ठीक है, यहाँ पे चेक बेसिकली डिफॉल्ट में आ गया है, ठीक है। तो आप इसको नहीं दे के आप हिंदी में भी दे सकते हैं। रिफ्रेश कर दिया हूँ, आप देखिए, आप देख पा रहे हिंदी में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे जो चेक्ड है ये बिल्कुल रेडियो बटन के जैसा है, ठीक है। रेडियो बटन में जो चेक हम लोग यूज करते थे उसके जैसा ही यहाँ पे भी चेक हम लोग यूज करेंगे। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आप चाहते हैं
एक देना मैंडेटरी है, तो आप ये चेक दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, आप यहाँ पे मल्टीपल भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी सिलेक्ट नहीं भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे में एक बटन ऐड करेंगे, ठीक है। बटन जब ऐड करेंगे, बटन ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इनपुट टाइप टाइप लूंगा, ठीक है। इससे पहले मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, मैं और एक इनपुट टाइप ले लेता हूँ, इनपुट टाइप मैं ले लेता हूँ बटन, और वैल्यू दे देता हूँ साइन अप, ठीक है। रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन अप आ गया, और एक ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन अप आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू में जो भी देंगे तब क्या होगा, यहाँ पे बटन का नेम यहाँ पे आ जाएगा, जो भी वैल्यू आप देंगे, ठीक है। तो बेसिकली और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, चेकबॉक्स को ऐड करने के लिए आपको इनपुट एलिमेंट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो जो टाइप है चेकबॉक्स, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे इनपुट का बहुत सारा टाइप्स के बारे में, इनपुट का बहुत सारा टाइप्स होता है उसके बारे में हम लोग अगला ट्यूटोरियल में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।